प्रेजा, आज ये लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। पूरे हिंदुस्तान ने क्या प्यार दिया है इस गाड़ी को। मिनी एसयूवी के नाम से ये जानी जाती है, मिनी रेंज रोवर के नाम से जानी जाती है, द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार इसे कहलाया जाता है। बट दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी तो ये है ही, बट मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि हिंदुस्तान की ये एक ऐसी भी गाड़ी है जो मॉडिफाई होने के बाद अपने आप में ही इसका कोई कंपटीशन नहीं है, नंबर वन से भी ऊपर है। तो मैं आज प्रमोद मेहता आप सभी के सामने प्रेजेंट करता हूँ ब्रेजा एलेक्साई। और आज का जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो सिर्फ वो बताने के लिए है कि प्रोडक्ट्स हमें कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी गाड़ी के अंदर लगाना, और वो प्रोडक्ट्स कितनी अच्छी क्वालिटी के होने ज़रूरी है एंड क्यों। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ हमारी गाड़ी के आउटर प्रोफाइल से। ब्रेजा का जो आउटर प्रोफाइल आता था वो काफ़ी बेसिक आता था। उसके अंदर जो ब्लैक कलर के स्किड प्लेट्स आते थे, एकदम बेसिक बम्पर उसके अंदर लगती थी, ना कोई सेफ्टी की प्रोविजन मिलती थी ना कुछ मिलती थी। बट उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस ब्रेजा गाड़ी के लिए जो डिफ्यूज़र डिज़ाइन हुआ है, खाली उसका आप एक लुक देख सकते हैं पूरी गाड़ी के ऊपर। एंड इसकी जो एक क्वालिटी है, खाली आप लोग देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन की हुई है, ना कि एक स्टाइल पर्पस से बट एक सेफ्टी पर्पस से भी, कि क्योंकि कल कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर इस डिफ्यूज़र के सामने आता है तो वो पहले इसको इम्पैक्ट करेगा, ना कि आपके ओरिजिनल बम्पर को। क्योंकि वो जो ओल्ड टाइम पे जो वो पहले स्टील के गार्ड्स एंड ऑल चलते थे, अब वो सब बैंड है। तो हमारे पास जो एक अच्छा हमारी गाड़ी को एक सेफ्टी पर्पस देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है एक डिफ्यूज़र। और उसको हम लगा सकते हैं, जो हमें एक लुक भी देता है, एक ब्रेजा की बैजिंग भी देता है, और एक रिजिड लुक भी, एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। गाड़ी की हेडलैम्प्स टॉप मॉडल के कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो लो बीम और हाई बीम का प्रोविज़न आपको एक सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर ही दिया हुआ है। तो अगर सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर आपको ये प्रोविज़न दिया हुआ है, तो हमारी भी ये बोलते हैं जिम्मेदारी बनती है कि हेडलाइट आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो बेस्ट हो। और जब हम बेस्ट बोलते हैं तो बेस्ट मतलब ऑज़ूम है, क्योंकि ऑज़ूम जो हेडलाइट्स के अंदर पावर आप लोगों को देगा, जो फोकस आप लोगों को देगा, नाइट ड्राइविंग के एक्सपीरियंस आपका काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। एंड कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी कि हमारी गाड़ी के अंदर हाई बीम और लो बीम का प्रोविज़न अलग है, और हमारी लो मॉडल के अंदर एक ही प्रोजेक्टर के अंदर जाता है। ब्रेजा गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प की प्रोविज़न आती है, बट फॉग लैम्प नहीं आता है। तो उसके अंदर हमने हेला की फॉग लैम्प्स भी इंस्टॉल की है। अभी डे टाइम है, फिर भी मैं आप लोगों को इसका एक थ्रो एंड एक फोकस दिखाना चाहता हूँ। एंड हेडलैम्प्स को भी ऑन के एक रोड पे उसकी प्रेजेंस खाली बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि लाइट जैसे ही मैं ऑफ कर रहा हूँ तो ये हमारे रोड का फील है, और जैसे ही मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो ये हमारी डे टाइम पे भी आप प्रेजेंस खाली देखिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग एंड कितनी एक इम्पैक्टफुल पावर है ऑज़ूम की। क्योंकि जब ये लाइट्स है, ये डिज़ाइंड बाय द जर्मन ब्रांड है एंड वेरी हाई एंड वेरी पावरफुल है। साइड प्रोफाइल में जैसे ही हम आते हैं गाड़ी के, स्टील रिम्स लग के आते हैं एलेक्साई वेरिएंट में। उसे हमने कन्वर्ट किया है एंड अपग्रेड किया है टॉप मॉडल के मारुति जेन्युइन अलॉय व्हील्स के साथ। एंड क्या है कि कंपनी ने अगर ये अलॉय व्हील डिज़ाइन किया है तो कुछ सोच समझ के ही डिज़ाइन किया है, और जेन्युइन अलॉय व्हील का तो एक फील ही अलग है, वो आप लोगों के सामने है। साइड प्रोफाइल में डोर वाइजर्स हमने इंस्टॉल किए हैं, एक विंडो पे गार्निशिंग आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन लग रही है। एंड एक डोर बिडिंग जो इसको साइड प्रोफाइल में जो लगती है, उसका एक लुक एंड एक गेटअप आप देख सकते हैं। जब इसे लोग मिनी रेंज रोवर कहते हैं तो हमारा काम है
उस गाड़ी को उस प्रोफाइल की एक झलक दिखलाना। तो आप एक साइड प्रोफाइल खाली देखिए, जैसे हमने ब्लैक PPF किया है, जैसे हमारी गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है ये कम्प्लीटली ड्यूअल टोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारी गाड़ी के अंदर रेंज रोवर स्टाइल वेंट्स भी हमने इंस्टॉल किए हैं, ये आप लोगों के सामने है। रूफ रेल्स लगने के बाद गाड़ी की थोड़ी सी हाइट प्रोफाइल में भी डिफरेंस आ जाता है, एंड वो आप लोगों के सामने है। द ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में एरोडायनामिक रूफ रेल्स हमने इसमें इंस्टॉल की है। एंड अब जो हम आते हैं हमारे रियर प्रोफाइल पे, क्योंकि आपने फ्रंट का बम्पर देखा तो रियर का प्रोफाइल एंड रियर का बम्पर भी देखना ज़रूरी है। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हमने हमारी गाड़ी को किस लेवल पे आज कन्वर्ट किया है। एंड खाली एक सॉलिडिटी देखिए इस प्रोडक्ट की, रिफ्लेक्टर लाइट्स हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं, एंड कम्प्लीटली ये 3 फंक्शंस के साथ चलते हैं। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये फंक्शंस आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी मोड है। इसके बाद ये हमारे इंडिकेटर मोड पे भी चलते हैं, पार्किंग मोड पे भी चलते हैं, एंड हम जब इसे ब्रेक लाइट पे डालते हैं तो एज़ हमारी टेल लाइट जब डार्क होती है तो वो रिफ्लेक्टर्स भी डार्क होते हैं। ये तो था हमारा एक्सटीरियर। अब आप सोचो कि इंटीरियर कितना धमाकेदार होगा, क्योंकि जो ब्रेज़ा गाड़ी आती है काफ़ी ब्लैक एंड डल इंटीरियर इसके अंदर हम लोगों को मिल जाता था। बट कोई बात नहीं, आज टॉप गियर एक ऐसी कंपनी है जिसने सीट कवर्स के अंदर इतने ब्यूटीफुल कलर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, जो हमारी गाड़ी के अंदर लगने के बाद एक आप निखार खाली देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये लग रही है। चाहे वो हमारी गाड़ी के डोर्स क्यों ना हो, क्योंकि जो फुल डोर्स थे वो ब्लैक कलर थे, कोई उसमें कलर नहीं था। उस डोर्स को भी हमने ड्यूअल टोन में कन्वर्ट किया है विद द ब्लैक एंड द आलमंड टोनिंग में विद द क्रॉस स्टिच वर्क, आप लोग देख ही सकते हैं। चाहे वो हमारा स्टेयरिंग क्यों ना हो, भले ही हमने स्टेयरिंग को रिप्लेस किया है, बेसिक सा स्टेयरिंग इस गाड़ी के अंदर आता था, उस स्टेयरिंग को हमने रिप्लेस किया हुआ है विद द मारुति जेन्युइन स्टेयरिंग। और ये हमारा जो बेसिक स्टेयरिंग कंपनी से लग के आता था, इसकी जो कंप्लीट होल्डिंग रिंग थी, इसके फंक्शंस थे, बटन्स थे, उन सब को हमने अपग्रेड करके एक टॉप मॉडल के स्टेयरिंग के साथ रिप्लेस किया है। ये लुक एंड फिनिशिंग आप लोगों के सामने है। वीडियो के शुरुआत में मैंने एक ही बात बोली थी कि आज अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाऊंगा तो वो प्रोडक्ट रिलेटेड टू क्वालिटी रहेगा, एंड क्वालिटी जब मैं बोलता हूँ तो एंड्रॉइड्स में नेटप्ले आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आज की तारीख में नेटप्ले का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स के साथ ये आता है, ऑफलाइन नेविगेशन का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, 360 डिग्री का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस ऑपरेट करने के लिए आपको कारलिंक का फंक्शन मिल जाता है, जो विदाउट डिस्टर्बेंस एक कनेक्टिविटी आप लोगों को देता। एंड खाली मैं परफॉर्मेंस की आप लोगों से बात करूँगा, सुपर्ब मीन्स सुपर्ब परफॉर्मेंस, यू विल जस्ट एंजॉय द इंटरफेस ऑफ द नेटप्ले एंड्रॉइड्स। फ्रंट डैशबोर्ड के जो पैनल्स थे इसे भी हम लोगों ने रिप्लेस किया हुआ है, इसे हमने कम्प्लीटली जो हमारी गोल्ड किट है उसके साथ रिप्लेस किया हुआ है, क्योंकि जो हमने सीट कवर्स लगाए हैं वो भी हमारे आलमंड एंड ब्लैक टोनिंग में है, तो हमारे जो पैनल्स थे इसे भी हमने आलमंड एंड ब्लैक टोनिंग को ध्यान में रखते हुए किया है। फ्रंट पिलर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए हमने लेदर रैप किए ही है, एंड उसी के साथ जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ब्रेज़ा नाम लिखी हुई स्कफ प्लेट्स भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की है, क्योंकि दिन में 10 बार जब दरवाज़ा खुलेगा और बंद होगा ये फाइबर्स हमारे रनिंग बोर्ड के साथ टच होते हैं, एंड स्क्रैच ना आने के लिए एक प्रोटेक्शन भी है और एक शो भी है। फ्लोरिंग जो हमारी गाड़ी की एक बेसिक फर कारपेट आती थी उसे कम्प्लीटली हमने प्रोटेक्ट किया है लैमिनेशन के साथ, और आगे से लेके पीछे तक अगर हमने लैमिनेशन भी इस गाड़ी के अंदर किया है ना तो हमने कार स्पेसिफिक लैमिनेशन किया हुआ है। एक एक पाइपिंग, एक एक स्टिचिंग आप लोग देख सकते हैं, उसके मोल्ड्स देख सकते हैं, एंड द मैटिंग इज ऑल्सो इन द आलमंड एंड ब्लैक टोनिंग जैसा हमारा सीट कवर्स है। तो आप एक खाली इंटीरियर का भी अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से हमारी इंटीरियर उठ के आ रही है, एंड आप सोच रहेंगे कि जब मैं इंटीरियर में बैठा हूँ तो ये कंफर्ट कहाँ से आ रहा है इंटीरियर का। तो जी हाँ दोस्तों, ये LXi मॉडल में जो मिसिंग आर्मरेस्ट था उसे भी हमने इंस्टॉल किया है। ये मारुति जेन्युइन आर्मरेस्ट आता है, स्टोरेज के साथ है कम्प्लीटली, एंड द होल पैनल हैज़ बीन चेंज्ड। आप लोगों को मैं इसका बिफोर पैनल भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो कंपनी लगा के देती थी
और कंपनी जो प्रोवाइड करती थी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को रियर सीट की फिटमेंट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि टॉप गियर एक ही चीज़ में बिलीव करता है, परफेक्शन। और वो परफेक्शन उसे चाहे वो कलर हो, चाहे वो लेदर हो, या चाहे वो फिटमेंट हो, वो देना ज़रूरी है, और उसमें हमेशा वो स्टैंड आउट हुआ ही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आप लोगों को सेंटर पैनल दिखाऊंगा जो कंपनी के साथ लग के आता है। और ये पैनल आप लोग देख ही सकते हैं, एक बेसिक सा पैनल कंपनी प्रोवाइड करती है। बट कोई बात नहीं, जब तक साई ऑटो है तब तक हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है, क्योंकि मारुति आज अगर हज़ारों लाखों और करोड़ों लोगों की धड़कन बन चुकी है, तो उस धड़कन को तेज़ करना साई ऑटो को आता है, और उस धड़कन को जीतना खाली एक इंटीरियर एक्सटीरियर लाइट्स एक ऑडियो, खाली आप एक्सपीरियंस करिए एक बार यहाँ आके, आपको आइडिया आएगा कि परफेक्शन किसे कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कस्टमर का भी इंटरव्यू जानेंगे, क्योंकि सुबह आए थे और शाम तक पूरी गाड़ी उनके लिए हमने रेडी कर दी है, तो उनका भी एक रिएक्शन वीडियो देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से उन्हें ये गाड़ी लगती है और कैसे साई ऑटो की ब्रीज़ा बाकी सारी ब्रीज़ा से स्टैंड आउट होती है। थैंक यू। प्राउड ओनर ऑफ द एक्सेलेंट ब्रीज़ा, जिसका मॉडिफिकेशन आप लोगों ने देखा, हमारे साथ है सतीश जी का, हम वेलकम करते हैं। एंड सतीश जी, कैसी लग रही है गाड़ी, खाली हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए कि गाड़ी आज जो एक दिन में पूरा काम हुआ है, कंप्लीट बेस टू टॉप का मॉडिफिकेशन किया है, किस तरीके से लग रही है? पहले मेरा जो गाड़ी था बेस मॉडल था, हाँ जी, अभी मैं घर में टॉप मॉडल लेके जा रहा हूँ। और काम जो आपने किया है, वर्क फिनिशिंग बहुत बढ़िया किया है, अच्छा काम है आपका। कोई भी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट नहीं? नहीं, कुछ नहीं। एंड कितने फास्ट ये काम हुआ है? बहुत फास्ट काम करते हैं मेरे हिसाब से, फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है आपका, क्योंकि आज क्वालिटी बोल रही है अपने आप में। जो भी चीज़ इसके अंदर लगी है, आज बाज़ार की कोई भी ब्रीज़ा आप ले लो, उसके मुकाबले हमारी गाड़ी स्टैंड आउट करती है। इनके आज फ्रेंड भी आए हुए हैं साथ में। किस तरीके से सर लग रही है? बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है ना? अच्छी गाड़ी लग रही है। आज बोलते ना कि पूरा दिन इन्होंने हमारे साथ गुजारा, एक देखा गाड़ी सामने बनते हुए, कोई ऐसा नहीं कि इनके पीछे बन रही थी, इनके सामने ही हर पार्ट हर चीज़ अपग्रेड की है। एंड रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही वीडियो में कि कितना शानदार उठ के आया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी आने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।